खत्म होने वाला है कलयुग, नष्ट होने जा रही है सृष्टि, क्या पृथ्वी के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? आने वाली है महाप्रलय, हिमालय ने दे दिए संकेत, अनिष्ट की आशंका से डर गया देश। शास्त्रों में लिखा है जब कभी कलयुग खत्म होगा तो दुनिया में अराजकता की स्थिति बन जाएगी। प्रकृति अपने खात्मे का संकेत देने लगेगी, दुनिया में महामारी, युद्ध और अकाल तेज हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, अतिशय वर्षा, बाढ़ और सैलाब तबाही लाएंगे, अतिशय सूखा, अकाल, भूखमरी पैदा कर देंगे, एक देश दूसरे देश के खून का प्यासा हो जाएगा। कुछ इसी तरह की तस्वीर अब पूरी दुनिया में दिखने लगी है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण होते युद्ध में परमाणु युद्ध की आशंका तेज हो गई है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध के आसार गहराने लगे हैं। चीन में कोरोना का कहर लौट आया है। चीन के कई शहरों में फिर लॉकडाउन लग गया है, तो वहीं हिंदुस्तान में भी अनिष्ट की आशंका गहराने लगी है। हिमालय ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लगातार बढ़ रही एवलांच की घटनाओं ने इस डर को और पुख्ता कर दिया है। हिमालय पिघल रहे हैं, बर्फ के बवंडर तबाही के संकेत दे रहे हैं। केदारनाथ की घाटी के आसपास आए एवलांच, उसके बाद उत्तर काशी में आया एवलांच, साथ ही गंगोत्री हिल्स में भी एवलांच की हलचल बता रही है कि हिमालय में सब ठीक नहीं है। ये प्राकृतिक महा आपदा का संकेत है। क्या हिमालय कोई संकेत दे रहा है? क्या हिमालय में आने वाले हिमस्खलन कोई चेतावनी है? 2013 में केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। केदारनाथ में ग्लेशियर पिघलने के बाद तबाही आई थी। 2 साल पहले बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर जोशीमठ में आई महातबाही ने हजारों लोगों को ली लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उत्तर काशी के द्रौपदी डांडा में आए एवलांच में 30 लोगों की मौत। इसी बीच केदारनाथ से आया एवलांच का एक और भयानक वीडियो ये बता रहा है कि हिमालय में हलचल बढ़ रही है। यह हलचल कभी किसी भी बड़ी तबाही को ला सकती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जब दुनिया खत्म होगी तब पूरी दुनिया में जल प्रलय आएगी और पृथ्वी जल में समा जाएगी। ऐसे में अगर वाकई में हिमालय से हिमखंडों के पिघलने का सिलसिला शुरू हो गया तो यह अपने साथ महासैलाब लेकर आएगा और उसके बाद दुनिया का द एंड निश्चित है। वर्तमान के लिए महान भविष्यवक्ताओं द्वारा जो प्राकृतिक आपदाओं से अनिष्ट होने की बातें कही जा रही हैं और अराजकता का माहौल बना हुआ है, टल सकती है या तबाही, खत्म हो सकती है अराजकता, बच सकती है लाखों की जान, पृथ्वी पर आ चुका है शक्तिमान, एक देश दूसरे देश के खून का है प्यासा, अब लोगों की भगवान पे आशा, पूर्व में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी नहीं होगी कोई घटना, आ चुका है मसीहा, अब ना कोई डरना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की। अगर हम इनके द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित भक्ति करेंगे तो अनिश्चितता से बचेंगे, अगर शास्त्र विपरीत भक्ति करेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं से ऐसे ही मरते रहेंगे। तो जागो और जगाओ, काल को भगाओ, हो चुका है अवतार, आ चुका है तारणहार,